ओके सर, कहाँ पर ये हादसा हुआ है और क्या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आई है? ये अभी थाना बिसरख में गोल सिटी गोल चक्कर के पास में शाबेरी जगह है, यहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो कोलैप्स करी और बगल वाली बिल्डिंग जो पहले से बनी हुई थी उसके ऊपर गिरी, तो दोनों बिल्डिंगें गिर गई हैं। फिलहाल ये पता किया जा रहा है कि यहाँ पे कितने लोग थे, इसमें रह रहे थे। NDRF की टीम भी मौके पर आ गई है, हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स लगी हुई है, तो प्रशासन और प्राधिकरण की टीम भी आ गई है। प्रयास किए जा रहे हैं जानने के कि कितने लोग अंदर हैं और उनको रिस्क है। सर, कुछ लोगों को निकाला गया है? अभी आसपास के लोगों से जानकारी करी गई है तो उससे लग रहा है कि शायद कुछ लोग अंदर होने की संभावना है, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी हो नहीं पाई है। NDRF की टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं, शीघ्र ही इसमें और जानकारी होती है। क्या फिर क्या पता चला गया है कि इसका ऑनर कौन था, कौन इसका बिल्डिंग कौन बना रहा था, ये इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। सर, ये पता चल पाया कितने लोग निकाले गए? कुछ नहीं, अभी तक फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी किसी को निकाला। सर, 2.5 से 3 घंटे हो गए, पुलिस भी काफ़ी लेट यहाँ पर पहुँची थी, स्थानीय लोग यहाँ पर मलबा हटा रहे थे। अभी ऑपरेशन भी आपका चालू नहीं हुआ था? 10 बजे हमें सूचना मिली, 10:05 के पहले से यहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद तुरंत ही 10:15 से हम सभी लोग यहाँ पर हैं और जो हमारे पास संसाधन है उनके उपयोग से हम लोग सारी कोशिश कर रहे हैं। NDRF की टीम भी आ गई है तो शीघ्र ही इसमें कुछ सफलता। सर, जिस तरीके की जो JCB मशीनें हैं वो आपने ट्राई किया है, बिल्डिंग पे अप्रोच करके देखा है तो वो नहीं हटा पा रही है, तो क्या कोई और दूसरे इक्विपमेंट लगाए जाएंगे? सारे मशीन्स आ गई हैं लेकिन NDRF की टीम अपना चूँकि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है तो वो पहले असेस करना चाहते हैं कि इसमें कहाँ पर करना चाहिए ऑपरेशन, तो वो गाइड कर रहे हैं हमें, अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ पर ये निर्माणाधीन एक बिल्डिंग थी कोलैप्स की है, कोलैप्स करके एक ऐसी बिल्डिंग पर गिरी है। NDRF की टीम आ चुकी है, डॉग स्क्वाड आ चुका है, हमने इमीडिएटली कॉल किया था, रिस्पॉन्स बहुत वेरी क्विक। समय पूरी NDRF की 4 सेक्शन टीम यहाँ पर उपलब्ध है, उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा था कि उन्होंने डॉग स्क्वाड लगा के ये चेक करने की कोशिश की, मतलब देयर इज एनी लाइफ। प्रयास करेंगे हम लोग कि अगले कुछ समय में जैसा भी आपको अपडेट होगा वो कीप यू अप्रेस्ट। आप सभी से एक बार और भी अनुरोध है आपके मीडिया में से, बहुत सारी घटनाएं रास्ते में हैं जो अभी मीडिया पर्सन की होती है या कुछ भी है, कृपया करके उनको भी सही में। हाउ मेनी फैमिलीज आर फियर टू बी ट्रैप्ड?